जिस जिस ने देखा होगा ना ये सॉन्ग, उनका दिल जाग गया होगा, फिर से फूलों की तरह खिल गया होगा। नमस्ते और सत श्री अकाल। आई एम परवेज अहमद और मेरा नाम है इरज। तो बाबा हरदीप ग्रेवाल के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं और बहुत जबरदस्त होते हैं। मैं तो आज पहली दफा सुनूंगा। आप पहली बार सुनेंगे, आप इनके फैन हो जाएंगे भाई। तो भाई आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे किया जाए रिएक्ट। तो इसकी वीडियोस भी आई हैं, रिक्वेस्ट वीडियोस नहीं आई लेकिन मैसेज कर रहे थे और कमेंट्स भी बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुसी कमेंट किते। सही बोला। आगे 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 भी पढ़ाओ ना। चलते हैं दोस्तों, तुहानू ज्यादा ज्यादा इंतजार नहीं कराते, असी सॉन्ग दी तरफ जाते हैं। तो रिएक्ट करते हैं आज जिंदगी बाय हरदीप ग्रेवाल बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। किधर खड़ा हुआ है? कोई गिरा क्या? गिरा। मरना चाहना है? कौन? मेरी छड़। तू क्यों छाड़ मारन लग गया सी? सब खत्म हो गया अंकल, मेरे सारे सपने टूट गए। IIT च एडमिशन भी नहीं होनी, हुण मेरी रैंक नहीं आई। आई हैव फेल्ड टुडे। पर ये कोई एड्डी वड्डी गल तां नहीं। हाँ थोड़े लिए कोई वड्डी गल नहीं। तुसी कहना कदे स्कूल दी शक्ल वेखी होनी आ, थोनू की पता एम्बिशंस की हुंदे ने, फेल होना की हुंदा आ, हार जाना की हुंदा आ। हाँ मैनू नहीं पता, पर मैं हुण रोटी खाण लग्गिया, ते रोटी खांदे होए मैं किसे नू मरदे नू नहीं देख सकदा। हाँ उदों तक तेरे लिए मेरे कोल एक चीज़ आ। आजा जिंदगी तेरे नाल मत्था लाउणा, नाल औकड़ा लिया नी मैं सारियां नू टाउणा। आजा आजा जिंदगी तेरे नाल मत्था लाउणा। हो नी हुण मेरी चाल देख ली तू, खून दा बाल देख ली तू, नी बनदी टाल देख ली तू, वजदी छाल देख ली तू। हुण नी छेती दबदा नी तू छड्ड दबकाउणा। आ जा आ जा जिंदगी तेरे नाल मत्था लाउणा, नाल औकड़ा लिया नी मैं सारियां नू टाउणा। आ जा जिंदगी तेरे नाल मत्था।
तरिया ओ किन्नी वारी जित के हरिया जो गुस्सा दिल विच मेरे भरिया ना जाहर बोला राही करिया मैं किन्नी वारी जित के हरिया ओ किन्नी वारी डुब के तरिया ओह छली उठी ना जितनी भी आए तो हिम्मत से काम लेना चाहिए, बहुत जबरदस्त। कभी कभी किसी के पास होता है और वो नहीं कर सकते, और कभी कभी किसी के पास कुछ नहीं होता और वो कर जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से भाई ये दुनिया उसे सब कुछ सिखा देती है। और कंसेप्ट कितना अच्छा था वीडियो में, जो कंसेप्ट दिखाया, डायरेक्शन बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त। भाई जैसे बचपन में दिखाई उसकी लाइफ, फिर माँ बाप ने पता नहीं किस वजह से, वो लेटर हमें समझ नहीं आया क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ था, किस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ता रहा, अपने पैशन को भी उसने साथ में चलाया, हार नहीं मानी, आगे जाके भाई बड़ा सा वो हो गया, इंजीनियर हो गया। मतलब कि उसने जिंदगी ऊंच नीच देखी, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ अच्छे वक्त आया, कभी बुरा वक्त आया, वो चलता रहा इस तरह।
मतलब जिंदगी के साथ मुकाबला करता रहा। हाँ। अपनी हर स्टोरी सारी इसको अपनी स्टोरी बताई कि देखें यार इस तरह नहीं होता, नहीं आपको जो नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं है, ये हर किसी के साथ दुख सुख हर किसी के साथ होता है। हाँ। तो बहुत अच्छा सॉन्ग था, उसे सबक सिखा गया कि भाई मैं कामयाब भी हुआ लेकिन गिरा भी। अभी वो लड़की आई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया था, एंड में क्या उसने सिला दिया उसका, हर चीज मिल गई, मतलब बहुत खुशी वाली लाइफ थी और वो छोड़ के चली गई। उस पर तो बड़ा मुझे गुस्सा आया, बस उसने ये सिंगर ने जाना यही दिखाया इसमें ना, मोटिवेशन ये दिखाई कि जिंदगी साथ कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए जिंदगी में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत जबरदस्त मजा आया। ओ भाई क्या बात है यार, क्या बात है, क्या सॉन्ग था। ऐसे सॉन्ग जो है ना इनको और बनाना चाहिए, बनाते ही रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ये न्यू जनरेशन उनमें दिमाग तो है ही नहीं भाई, मतलब फेल हो जाते हैं तो बस सुसाइड करनी है, कुछ भी हो जाए बस सुसाइड, गेम में हार गए सुसाइड, पबजी खेलते हार गए सुसाइड, टिकटॉक में कुछ भी हुआ, कहीं भी हुआ, लड़ाई झगड़ा बस गए। हाँ, बस किसी ने ब्लैकमेल किया सुसाइड, किसी का ना अपना सोचते ना फैमिली का सोचते हैं, उनके लिए तो क्या सॉन्ग बनाया भाई, सलाम है भाई, सलाम है सिंगर को और डायरेक्शन जिसने की है उसको सलाम है, बहुत जबरदस्त बेहतरीन। जिस जिसने देखा होगा ना ये सॉन्ग उनका दिल जाग गया होगा, फिर से फूलों की तरह खिल गया होगा। और ऐसे ही हमें सॉन्ग दिखाया गया भाई, हमें भी मोटिवेशन मिलती है भाई, अभी मैंने रुकना नहीं है मैं भी हार गई थी क्योंकि भाई थोड़े मसरूफ हो गए हैं और पापा भी जॉब करते हैं, मैंने कहा कि मैं अकेली कैसे करूँगी, अभी मैंने हार ही नहीं मानना, मैं वीडियो आपके लिए डालती ही रहूँगी ऐसे ही। सही है ना पापा? हाँ बिल्कुल सही है। तो आपको तो हमेशा हमने आप लोगों की यही परवरिश की है, मामा पापा ने आप लोगों की यही परवरिश की है कि कभी भी जिंदगी से हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, तो हम लोग तो यही कोशिश करते रहते हैं कि आप तीनों के साथ चारों के साथ कि जो ना वो आप लोग जो ना इस तरह ना करें। नहीं ऐसा तो हम नहीं करेंगे, आपने ऐसी परवरिश ही नहीं की कि हम भाई जाके सुसाइड करें, नहीं हार मान लें, ऐसा तो नहीं। सुसाइड तो करनी भी नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा जो ना वो गुनाह है और इस्लाम में तो बिल्कुल हराम है, ये तो जहन्नमी है, वो जहन्नमी। जरूरी नहीं कि आप जो करना चाहें वो बन सके आप, लेकिन आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपकी बेहतरी के लिए होंगी, जो आपको बाद में टाइम पर मिलेंगे। ये जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जो वक्त मुकर्रर होता है ना अल्लाह ताला की तरफ से, उसी टाइम में हर चीज मिल जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर आती हैं कि अच्छी हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं होता उसके बारे में, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी चीज बेहतर है। और फिर जब आप मैच्योर हो जाते हैं फिर वो सोचते हैं यार ये तो चीज मेरे लिए सही नहीं थी, अच्छा हुआ मैं इस चीज में नहीं गया। और मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि मैं करना कुछ चाहता था और लेना कुछ चाहता था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा उसके मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा सबक मिला और ऐसे असबाब बने कि मैं हैरान हो गया कि वाकई मैं जो कुछ करना चाहता था वो नहीं हुआ, जो अभी मुझे मिला है वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। हाँ, वो भी हम आपको बताएंगे जब व्लॉग्स बनाएंगे, सारी स्टोरी बताएंगे हम अपनी भी, पापा की भी, सबकी भाई, तबाही मचानी है अभी तो। लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वेट करें, क्योंकि 1 लाख हो गया इस चैनल का तो फिर हम व्लॉग अपना चैनल स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आपकी वजह से ही हम ऊंचाई को छुएंगे, आपकी वजह से ही हम नीचे गिरेंगे, तभी भाई सपोर्ट करो हमें भी। तो सॉन्ग की तरफ आते हैं, सॉन्ग बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छे थे, बहुत मोटिवेशनल किस्म का सॉन्ग था, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, म्यूजिक बहुत अच्छी थी, तमाम चीजें, कहानी और कैरेक्टर जो थे उनके बहुत अच्छा है, उनके जो ना कंसेप्ट बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत पसंद आया। भाई हरदीप ग्रेवाल, वाओ। अगर आपको सॉन्ग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।